दुनिया की सबसे खतरनाक महिला सीरियल किलर, जो जवान रहने के लिए नहाती थी जवान लड़कियों के खून से। इतिहास के पन्नों में ऐसी कई खौफनाक कहानियां और रहस्य दबे हुए हैं, जो अगर सामने आ जाएं तो आप सहम जाएंगे। ऐसी ही एक खौफनाक कहानी आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये कहानी जुड़ी है रानी एलिजाबेथ बाथरी से। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी की रहने वाली थी। एलिजाबेथ बाथरी को इतिहास की सबसे खतरनाक और वहशी महिला सीरियल किलर के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दे कि साल 1550 से 1610 के बीच बाथरी ने 600 से भी ज्यादा लड़कियों की जान ले ली थी। कहा जाता है कि किसी ने एलिजाबेथ को खूबसूरती बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से नहाने की सलाह दी थी। मतलब एलिजाबेथ को यह तरीका इतना पसंद आया कि इसके लिए उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और साल 1610 में एलिजाबेथ बाथरी को उनके घृणित अपराध के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें उनके ही महल के एक कमरे में कैद कर दिया गया, जहां 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उनकी मृत्यु हो गई। वैसे आप भी बहुत खूबसूरत हो, इसी बात में चैनल को सब्सक्राइब कर दो।